सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद हम लोग एक और न्यू वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जिसमें गाइस आप लोग को कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि आज का हमारा कंसेप्ट काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो अगर आप लोग को भी इस टाइप की फ़ोटो एडिट करनी हो तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट एंड तक देखते रहना। एंड हाँ गाइस, इसी के साथ आज के इस वीडियो में जो भी बैकग्राउंड एंड PNG का मैंने यूज़ किया है उन सबको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो गाइस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से जा करके इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड उन्हें अपनी एडिटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइस इसी के साथ बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग ओपन करने वाले हैं पिक्सआर्ट ऐप को। तो चलिए गाइस ओपन करते हैं पिक्सआर्ट ऐप को। एंड हाँ गाइस, सबसे पहले तो आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन को फुल स्क्रीन पर कर देना है, मतलब इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेना है। एंड उसके बाद आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन को रोटेट कर देना है एंड उसके बाद आप लोग को आगे वीडियो कंटिन्यू करनी है। तो चलिए ओपन करते हैं हम लोग पिक्सआर्ट ऐप को। सो हाँ, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। और गाइस पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आ जाने के बाद आपको सबसे पहले तो ये वाला बैकग्राउंड ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग के सामने इस बैकग्राउंड को ऐड कर रखा है। तो सबसे पहले तो आप लोग को जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। और गाइस ऐड फोटो में जाकर के यहाँ पर आप लोग को अपने मॉडल की फ़ोटो को ऐड करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने मॉडल के ये है विजय मेर को एंड यहाँ पर अपनी मॉडल की फ़ोटो का कटआउट मैंने निकाल कर रखा हुआ है। तो अगर आप लोग को कटआउट निकालना आता है तो अच्छी बात है, वरना मैंने इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। अगर आप लोग को उस वीडियो को चेक करना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर गाइस अभी हम लोग अपने मॉडल को कुछ इस टाइप से लगा देंगे एंड आप लोग को पोज कुछ इस टाइप का रखना है। तो जैसे आप लोग देख ही सकते हो, उसके बाद गाइस आप लोग को इरेजर वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड यहाँ पर आप लोग को नीचे के पार्ट को कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है, जिससे कि ऐसा शो हो कि हमारा मॉडल पानी के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से कर दिया है एंड आप लोग को भी इसे अच्छे से सेट कर लेना है। और इसके बाद गाइस आप लोग को इसको डन कर लेना है। एंड जैसे गाइस आप लोग इसको डन कर लो, फिर से आप लोग को दोबारा इसको अगेन डन करना है। एंड अभी यहाँ से आप लोग को फिर से चलना है ऐड फोटो में एंड यहाँ पर गाइस ऐड फोटो में जा करके इस वाले थंडर के PNG को यहाँ पर ऐड करना है एंड इसको फुल स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से लगा देना है। तो इसे लगा देने के बाद आप लोग को इसको मूव डाउन कर लेना है लेयर के पैनल पर क्लिक करके, जिससे कि अपना मॉडल के पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इसी के साथ गाइस इसको आप लोग को डन कर देना है। एंड जैसे ही गाइस ये डन हो जाए, उसके बाद आपको फिर से चलना है ऐड फोटो में। एंड यहाँ पर ऐड फोटो में आने के बाद गाइस आप लोग को ये वाला PNG मिलेगा एक और थंडर का। तो इसको आप लोग को कुछ स्टेप से लगा देना है। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर वाले पार्ट को कुछ स्टेप से लगा देना है, जिससे कि ऐसा शो हो कि अपना मॉडल के अंदर से थंडर निकल रहा है। तो ये बिजली जो अपने मॉडल के अंदर से निकल रही हो, तो उसके लिए आप लोग को इस स्टेप से लगा देना है और उसके बाद नीचे के पार्ट को इरेज कर लेना है। एंड इसी साथ आप लोग को इसको डन कर देना है। एंड डन करने के बाद फिर से अगेन इसी को आप लोग को ऐड करना है और इसको आप लोग को फिर से उसी टाइप से लगा देना है एंड फिर से इरेजर वाले ऑप्शन में जा कर के ऊपर के पार्ट को इरेज कर लेना है। तो इससे आप लोग को नीचे का पार्ट एंड ऊपर का पार्ट दोनों लग जाएंगे। इसे लगा लेने के बाद इसको डन कर देना है। हाँ, तो गाइस इन्हें लगा लेने के बाद, इसको डन कर देने के बाद अभी आप लोग को फिर से चलना है ऐड फोटो में एंड इसके बाद आप लोग को एक और PNG मिलेगा, उस PNG को इसे पूरी स्क्रीन पर लगा देना है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, इसको फुल स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से मैंने लगा दिया है। एंड इन्हें लगा देने के बाद गाइस आप लोग को इसको डन कर देना है। हाँ, तो गाइस यहाँ पर डन कर लेने के बाद अभी आप लोग को जाना है ड्रॉ टूल के अंदर। और गाइस ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद अभी हम लोग इस फोटो को सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद अभी हम लोग चलेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो चलिए गाइस ओपन करते हैं इसी के साथ लाइटरूम ऐप को। सो हाँ, तो गाइस यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। और गाइस लाइटरूम ऐप के अंदर आ जाने के बाद सबसे पहले तो हम लोग को चलना है लाइट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन में आ जाने के बाद सबसे पहले तो इस फोटो के एक्सपोजर को कम करेंगे और गाइस उसके बाद हम लोग इसकी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे। एंड इसी के साथ नीचे की तरफ हम लोग को हाईलाइट वाला ऑप्शन मिलता है, तो इसको हम लोग कम कर लेंगे। और इन्हें कर लेने के बाद गाइस अभी हम लोग को नेक्स्ट वाले टूल में जाना है, जो कि टेम्परेचर का टूल होता है। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग इसके टेम्परेचर को बढ़ा लेंगे एंड देन इसके बाद हम लोग इसके मिक्स वाले ऑप्शन में चलेंगे। तो मिक्स वाले ऑप्शन में आने के बाद सेकेंड कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको इसके स्किन का कलर होता है, जो कि इसकी सेचुरेशन डिक्रीज़ करनी है एंड लुमिनस को इनक्रीज़ कर लेना है।
तो इन्हीं के साथ गाइस अभी आप लोग को चलना है ब्लू कलर वाले ऑप्शन में जो कि स्काई ब्लू कलर है। तो यहाँ पर आने के बाद इसकी ह्यू को इंक्रीज़ करना है एंड उसके बाद गाइस आप लोग को चले जाना है आगे वाले कलर में जो कि ब्लू कलर ही होता है। तो यहाँ पर आप लोग को इसकी ह्यू को माइनस साइड में रखना है और इन्हें कर लेने के बाद गाइस अभी आपको इसको डन कर देना है एंड यहाँ से इसको डन कर लेने के बाद गाइस अभी आप लोग को नेक्स्ट वाले टूल में चले जाना है जो कि हमारा इफेक्ट वाला टूल होता है। यहाँ पर इसके टेक्चर को बढ़ा लेंगे एंड नीचे तो जो विग्नेट वाला ऑप्शन मिलता है इसको हम लोग को कम कर देंगे एंड इसी के साथ गाइस अभी हम लोग यहाँ से इस फोटो को सेव कर लेंगे फ़ोन में एंड देन अभी हम लोग चलेंगे स्नैपचैट ऐप के अंदर। तो चलिए गाइस ओपन करते हैं स्नैपचैट ऐप को। हाँ तो गाइस अभी हम आ चुके हैं स्नैपचैट ऐप के अंदर और स्नैपचैट ऐप के अंदर आ जाने के बाद गाइस क्या करना है कि आप लोग को अपनी फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो हम लोगों ने अपनी फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो फ़ोटो को ऐड कर लेने के बाद गाइस क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है साइड में। तो यहाँ पर गाइस आप लोग को एक स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। तो तो आप लोग को क्या करना है सिंपली से फर्स्ट वाला और प्रीसेट जो कि इसे अप्लाई कर देना अपनी फ़ोटो पे। तो जैसे गाइस इसे आप लोग अपनी फ़ोटो पे अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही आप लोग अपनी फ़ोटो देख सकते हो काफ़ी कमाल की बन जाएगी एंड एक क्लिक के अंदर ही आप लोग की फ़ोटो काफ़ी कमाल की बन जाएगी। सो इसी के साथ चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।